श्री गणेशाय नमो नमः। मित्रों, अनोखा संगम पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विषय में। आज के पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण की विस्तृत जानकारी के साथ साथ आज का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त, अशुभ समय राहु काल, आज के दिन और रात का चौघड़िया और आने वाले दिनों के व्रत और त्योहारों के बारे में पूरी पूरी जानकारी मिलती है। आइए जानते हैं आज का शुभ पंचांग। पंचांग से पहले आज का सुविचार, अपनी जिंदगी में अगर वाकई कुछ हासिल करना है तो अपने तरीकों को बदलो, अपने इरादों को नहीं, क्योंकि आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। आज की तारीख 23 अगस्त 2021, आज का वार सोमवार। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष का पहला दिवस है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा 4:30 शाम तक रहेगी, तदुपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 23 अगस्त 2021 के सूर्योदय का समय रहेगा 5:54 सुबह, सूर्यास्त का समय होगा 6:52 शाम को, चंद्रोदय का समय रहेगा 7:47 शाम को और चंद्रास्त का समय 6:27 सुबह तक होगा। आज का नक्षत्र शतभिषा 7:26 शाम तक रहेगा। इसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। आइए जानते हैं शतभिषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के बारे में कुछ बातें। सबसे पहले तो जिन व्यक्तियों का जन्म हुआ है शतभिषा नक्षत्र में, उनके नाम गो, सा, सी और सु से शुरू होंगे। इनकी राशि होती है कुंभ। राशि स्वामी की बात करें तो शनि। तत्व इनका रहता है वायु। गण इनका राक्षस का, नाड़ी आदि। नक्षत्र देवता वरुण और स्वभाव चर रहता है। आइए जानते हैं शतभिषा नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों की विशेषताएं उनके जीवन में कैसी होती हैं। शतभिषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति स्वभाव से चंचल प्रवृत्ति के होते हैं। जातक में सत्य के प्रति विशेष रूप से लगाव देखा जाता है। जातक में काम करने की जल्दी रहती है। ऐसे में जल्दबाजी में किए गए फैसलों के लिए बाद में अफसोस भी करना पड़ सकता है, इसलिए हानि से बचने के लिए इस प्रकार के जातकों को चाहिए कि वह बिना सोचे समझे कोई निर्णय ना ले, कोई कार्य ना करें। जातक में विद्वता होती है, वह बुद्धिमान होता है, जीवन में बौद्धिक कार्यों के कारण सफल होता है। जातक सदाचारी प्रकृति का होता है, वह धर्म कर्म के कार्यों में रुचि लेने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास और उन्नति होती है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति की स्वयं की सुरक्षा के प्रति अधिक सतर्कता रहती है। जातक बुरे कार्यों में भी शीघ्रता से फंस सकता है, इसलिए उसे अच्छे लोगों की संगत को अपनाना चाहिए। उसके जीवन में अत्यधिक उतार चढ़ाव रहते हैं। अपनी योग्यता सिद्धि करने के लिए जातक में जिद हो सकती है। जातक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सफल रहता है। शतभिषा नक्षत्र में जन्मे जातक को गुप्त विद्याओं में कार्य करने से सफलता मिल सकती है। जातक साहस और बल के द्वारा अपने शत्रुओं को परास्त कर सकता है। इसके साथ ही बिजली के काम करने वाले कारीगर, इलेक्ट्रिशियन प्रौद्योगिक क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं। कीमोथेरेपी करने वाले चिकित्सक, अंतरिक्ष यात्री व विज्ञानी, पायलट, रेडियो ऑपरेटर, युद्ध कौशल दिखाने वाले लोग, फिल्म और दूरदर्शन में कार्यरत कर्मचारी इत्यादि इस नक्षत्र के कार्यक्षेत्र में आते हैं। शतभिषा नक्षत्र के जातक के लिए भगवान शिव की उपासना करना बेहद लाभकारी होता है। भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप की एक माला करना भी इनके लिए हितकारी होता है। शनिवार चतुर्दशी तिथि, सावन मास के अंतिम 9 दिन और चंद्रमा के शतभिषा में गोचर करने के समय ओम लम मंत्र का जाप किया जाए तो वह प्रभावशाली होता है। जातक के लिए नीले रंग के वस्त्र शुभता प्रदान करने वाले होते हैं। आज की सूर्य राशि है सिंह, आज की चंद्र राशि है कुंभ।
आज का पहला कर्ण कौलव 4:30 शाम तक रहेगा। आज का दूसरा कर्ण तैतिल 4:13 अगले दिन सुबह तक रहने वाला है। आइए जानते हैं कौलव कर्ण में जन्मे व्यक्तियों के व्यक्तित्व के बारे में। इस कर्ण में जन्म लेने वाले व्यक्ति सबसे प्रीति सबसे प्रेम करने वाले होते हैं। उनके अनेक मित्र होते हैं तथा समय समय पर उसे मित्रों का सुख और सहयोग प्राप्त होता है। इस कर्ण में जन्म लेने वाले व्यक्ति में स्वाभिमान भरा होता है। इस कर्ण के व्यक्ति अपनी मेहनत के बल पर जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। जिस व्यक्ति का जन्म तैतिल कर्ण में होता है उस व्यक्ति को अपने पुरुषार्थ के अलावा सौभाग्य से भी धन की प्राप्ति होती रहती है। तैतिल कर्ण में जन्मा व्यक्ति अपने निकट और अपने ग्रुप के सभी व्यक्तियों से स्नेह करने वाला होता है। इस योग का व्यक्ति जीवन में कई घरों का स्वामी होता है। भूमि भवन के मामलों में उसे धन लाभ प्राप्त होता रहता है। तैतिल कर्ण में जन्मा व्यक्ति कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त करता है। आज का योग अतिगंड 8:34 सुबह तक रहेगा। इसके बाद सुकर्मा योग प्रारंभ हो जाएगा। आज दिशा शूल पूर्व दिशा में है। पूर्व दिशा में जाने से पहले दर्पण देखकर व दूध पीकर अथवा पुष्प खाकर प्रस्थान करेंगे तो यात्रा अवश्य ही सफल होगी और दिशा शूल का प्रभाव भी कम हो सकता है। आइए जानते हैं अतिगंड योग के बारे में। इस योग को बड़ा दुखद माना गया है। इस योग में किए गए कार्य दुखदायक होते हैं। इस योग में किए गए कार्य से धोखा निराशा अवसाद का ही जन्म होता है। अतः इस योग में कोई भी शुभ या मंगलिक कार्य नहीं करना चाहिए और ना ही कोई नया कार्य शुरू करना चाहिए। आज का शुभ समय आज का अभिजीत मुहूर्त 11:58 सुबह से 12:50 दोपहर तक रहेगा। विजय मुहूर्त का समय 2:34 दोपहर से 3:26 तक होगा और ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:26 सुबह से 5:10 सुबह तक रहने वाला है। आज के शुभ समय में अमृत कालम 12:18 दोपहर से 1:53 दोपहर तक रहेगा। आज का अशुभ समय आज का राहुकाल 7:32 सुबह से 9:09 सुबह तक रहेगा। यमगण काल का समय 10:46 सुबह से 12:23 दोपहर तक रहेगा। इन दोनों ही समय में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य शुरू ना करें। 23 तारीख को दिन के चौघड़िया में अमृत समय 5:54 सुबह से 7:30 तक रहेगा। शुभ समय 9:08 सुबह से 10:46 तक होगा। चर समय 2:02 दोपहर से 3:39 तक रहेगा। लाभ समय 3:39 से 5:15 शाम तक रहने वाला है। अमृत काल का समय 5:15 शाम से 6:52 तक होगा। आज रात के चौघड़िए में चर समय 6:54 शाम से 8:16 तक। लाभ समय 11:02 रात्रि से 12:23 मध्य रात्रि तक रहेगा। शुभ समय 1:46 अगले दिन सुबह से 3:08 तक रहने वाला है। अमृत काल का समय 3:08 से 4:30 अगले दिन तक होगा। चर समय 4:30 अगले दिन सुबह से 5:53 अगले दिन सुबह तक रहने वाला है। मित्रों, ये था आज का शुभ पंचांग। आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें अनोखा संगम का चैनल और इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।